दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय राजधानी में बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी अंजना ने। किरण बेदी के लिए बड़ा दिन, जिस एसडीएम दफ्तर के अंदर वो इस वक्त पर्चा दाखिल कर रही हैं, उसी के बाहर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा दिन, किरण बेदी जी यहीं पर नामांकन दाखिल करेंगे, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से किरण बेदी जी यहाँ नामांकन दाखिल कर रही है, हमारी सीएम के उम्मीदवार हैं और आज नामांकन के बाद दिल्ली में प्रचार प्रसार होगा। एक रिकॉर्ड मार्जिन से वो यहाँ कृष्णनगर की सीट को जीतेंगी। यहाँ पर हमारी सीट बहुत पुरानी सीट है ये, और आगे आने वाले समय में 70 सीटों पर वो चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन बीजेपी क्या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, जब किचकिच दिखाई दे रही है जनता के बीच सीटों को लेकर, टिकट को लेकर? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई किचकिच पार्टी के अंदर नहीं है। ये कोई पहला चुनाव नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सारे अपने नेताओं से भावनात्मक जुड़ाव से जुड़े होते हैं और उनको लगता है कि उनके नेता को उस सीट पर होना चाहिए। पहले मतदान के एन पहले ये होना, ये कैसे हो गया सतीश उपाध्याय के? अभी मतदान नहीं है, अभी मतदान नहीं है। 7 फरवरी? नहीं, अभी मतदान नहीं है। आप तो बहुत पुरानी पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि पुरानी क्लिपिंग आपको निकालनी पड़ेगी सभी दलों की, और जब आप निकालेंगे चुनाव के समय में, इस बार जो 2-4-5 जो लोग आए हैं जिन नेताओं को लेकर के, लंबे लंबे लोगों ने अपने विरोध जाहिर किए हैं, सबसे कम इस बार लोग आए हैं, और लोगों को एक नॉमिनेशन के बाद सब लोग पार्टी के काम में लगेंगे। मैं इसको बहुत छुटपुट घटनाएं, हमेशा हर चुनाव में होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। किरण बेदी का नाम सामने आने की वजह से क्या उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, क्या कुछ पार्टी के ही नेता बगावती तेवर अपना सकते हैं? सीधा सवाल और ईमानदार जवाब। बिल्कुल ईमानदार जवाब, सीधा सवाल आपका और मेरा ईमानदार जवाब, उनके खिलाफ ना तो किसी के बगावती तेवर हैं और ना ही उनके खिलाफ कोई नारेबाजी हो रही है, और नारेबाजी हो रही है तो एक हो रही है कि किरण बेदी जी दिल्ली में आएंगी और मुख्यमंत्री बनेंगी, चुनाव जीत करके आएंगी। आपको टिकट नहीं मिला, क्यों? मुझे टिकट नहीं, मैंने कहा ना कि ये टिकट मैंने डिनाई किया है। मेरी 2 सीटें कल रुकी हुई थी, पार्टी ने मुझे कहा कि मुझे 70 जगह चुनाव लड़ाना है। पार्टी प्रेसिडेंट अगर चुनाव लड़ेंगे तो 70 जगह चुनाव लड़ाएगा कौन? उसको सब जगह जाना है। पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है, लोगों का चुनाव है। मेरा ये कॉन्शियस डिसीजन है कि मुझे चुनाव पार्टी अध्यक्ष के नाते नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि वो नारेबाजी इसीलिए हुई क्योंकि किरण बेदी का चेहरा आया और हावी हो गया। नहीं नहीं, सवाल हावी का नहीं है। मैंने कहा ना, कार्यकर्ताओं का भावनात्मक जुड़ाव होता है एक अपने नेता से, लोग चाहते हैं ये सारी चीजें हो, और इसलिए मैंने कहा कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अध्यक्ष की भूमिका चुनाव लड़ाने की है, ना कि लड़ने की। मैं अगर लड़ता तो मैं आज नॉमिनेशन भर रहा होता, मैं आज 10 जगह नहीं जा सकता था, लोगों को चुनाव के लिए प्रेरित नहीं कर सकता था। तो ये आपका फैसला था? ये मेरा फैसला है, बिल्कुल निश्चित रूप से मेरा फैसला है, और इसलिए हमने 2 सीटें बाद में की हैं डिक्लेयर, कल रात को की हैं, मालवीय नगर और मेहरौली, जहां से मुझे कहा गया था, लेकिन मैंने तय किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। किरण बेदी जीतेंगी कितनी सीटों के साथ बीजेपी? देखिए, किरण बेदी निश्चित रूप से 7 तारीख को जब वोटिंग होगी, 10 को जब चुनाव नतीजे आएंगे, पूरे विश्वास पूरे संकल्प के साथ मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार साइजेबल मेजोरिटी में बनेगी, यही मैं आपको कहना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतीश उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो बगावत के तेवर दिखाई दे रहे हैं, उनका कहना है कि छिटपुट घटनाएं हैं, इसका ज्यादा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली ने देखा है, देश ने देखा है, नारेबाजी भी हुई है, लेकिन किरण बेदी और आने वाले वक्त में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, ये कहना है सतीश उपाध्याय का। कैमरामैन सुबोध के साथ अंजना ओमकश्यप, दिल्ली आज तक।